दोस्तों फेस को वॉश करने की जब बात आई तो सबसे पहले हमारे मन में क्या आता है, एक अच्छा सा फेस वॉश या फिर एक अच्छा सा क्लींजर। और ये भी आपको अच्छे से पता होगा कि जो फेस वॉश होता है वो हमारी स्किन के हिसाब से होता है। जैसे अगर मेरी ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन का फेस वॉश, या फिर अगर किसी की ऑयली स्किन है तो उसके लिए ऑयली स्किन वाला फेस वॉश। दोस्तों ऑयली स्किन की तो हमने कई बार बात भी की है, और अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने जाना था कि ऑयली स्किन क्या होती है, अगर हमारी ऑयली स्किन है तो हम अपनी स्किन का किस तरह से ध्यान रख सकते हैं, अपनी ऑयली स्किन को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, और क्या वो अच्छे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो हमारी ऑयली स्किन के लिए अच्छे हों। फिर मैंने उसके बाद वीडियो बनाई थी कि अगर हमारी ऑयली स्किन है तो उसके लिए कौन सा मॉइस्चराइजर ठीक रहता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो इस वीडियो के बाद उनको जरूर देखना, वहां से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमारी ऑयली स्किन है तो उसके लिए कौन से फेस वॉश अच्छे रहते हैं। यहाँ हम कुछ सस्ते वाले कुछ बजट फेस वॉश और कुछ लग्जरी जो थोड़े महंगे हैं उन फेस वॉश की बात करेंगे। और वीडियो के एंड में मैं अपना ओपिनियन भी आपके साथ शेयर करूंगा कि इन फेस वॉश में से जिनकी अभी हम बात करेंगे इनमें से कौन से वाला आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो आइए फिर अपना वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं बलजिंदर मंडान, आप देख रहे हैं मेडिकल ज्ञान। नई वीडियो जल्दी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। दोस्तों मार्केट में फेस वॉश की कोई कमी नहीं है। अगर आपको ध्यान हो तो जब भी हम मार्केट में फेस वॉश लेने जाते हैं तो हमारे सामने बहुत बड़ी चॉइस होती है। इतने फेस वॉश होते हैं कि हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से वाला लें। और देखो जो हम फेस वॉश देखते हैं डेफिनेटली वो एक अच्छी कंपनी के ही तरफ से आते हैं, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि ये वाला अच्छे ब्रांड से है या फिर ये वाला अच्छे ब्रांड से है। ऑलमोस्ट सभी एक अच्छे ब्रांड के हिसाब से ही होते हैं। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है, फेस वॉश हमारी स्किन के हिसाब से होते हैं। अगर हमारी ड्राई स्किन है तो हमें जो फेस वॉश लेने हैं या जो हमें फेस वॉश यूज करने हैं वो ड्राई स्किन वाले होने चाहिए। और अगर हमारी ऑयली स्किन है तो हमें वो फेस वॉश लेने हैं जो स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए बने हों। ध्यान रखो बहुत से फेस वॉश पे लिखा होता है कि ये सभी तरह के स्किन के लिए बने हैं, लेकिन नहीं। देखो हो सकता है कि वो आपके लिए अच्छे हों, लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको वो फेस वॉश लेने हैं जो स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए बने हों। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो फेस वॉश आप ले रहे हो वो ऑयल फ्री हो, पैराबिन फ्री हो, उसमें किसी तरह का कोई ऐसा केमिकल ना हो जो आपकी स्किन के लिए हार्मफुल हो, या फिर लॉन्ग टाइम में जब आप उसको यूज करोगे या कुछ टाइम के बाद वो आपकी स्किन को किसी तरह का नुकसान न दे। आप किसी भी ब्रांड की तरफ से आने वाला फेस वॉश यूज कर सकते हो, कोई स्पेसिफिक नहीं है। हाँ देखो अलग अलग ब्रांड के हिसाब से फेस वॉश में हमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है उनकी क्वालिटी के हिसाब से या फिर उनके रिजल्ट के हिसाब से, लेकिन ये ध्यान रखो कि वो फेस वॉश स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए बना हो, उसमें किसी तरह का कोई हार्मफुल केमिकल ना हो। फेस वॉश की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है मामा अर्थ चारकोल फेस वॉश। वैसे आजकल मामा अर्थ कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में है। आइए इसके फेस वॉश के बारे में बात करते हैं। ये फेस वॉश ऑयल फ्री है, पैराबिन फ्री है, और इसकी कॉस्ट हमें 250 रुपीज के आसपास देखने को मिलती है, जो कि एक ठीक है बजट में हमें देखने को मिलती है। इसकी मुझे अच्छी बात ये लगी कि इसमें चारकोल है, क्ले है, जो हमारी स्किन से टॉक्सिन्स, डर्ट, पोल्यूशन, अगर आपने मेकअप किया हुआ है तो वो भी, इसके अलावा एक्सेस ऑयल, हमारी स्किन पे अगर एक्सेस ऑयल आता है या है, उसके अलावा जो हमारी स्किन डल हो जाती है, जो हमारी डेड स्किन हो जाती है, इन सभी को बड़ा इजिली रिमूव करने का काम करता है। इसके अलावा इसमें कॉफी पाउडर भी मिक्स है जो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और लॉन्ग टर्म में हमारी स्किन को हेल्दी रखता है, किसी तरह के नुकसान से हमारी स्किन को बचाता है। अगर देखा जाए कि हमें एक सिंपल फेस वॉश चाहिए जो हमारी ऑयली स्किन के लिए बना हो, स्किन से डर्ट को रिमूव करे, पोल्यूशन को रिमूव करे, जो हमारी डेड स्किन है उसको रिमूव करे और ओवरऑल हमारी स्किन को हेल्दी रखे, तो हम ये वाला फेस वॉश कंसिडर कर सकते हैं। बजट में है और एक अच्छे ब्रांड की तरफ से देखने को मिलता है। इसको यूज करना बड़ा ही सिंपल है, जैसे आप अपने और फेस वॉश यूज करते हो, जैसे कि मॉर्निंग टाइम पे जब आप नहाते हो उस टाइम यूज कर सकते हो, या फिर जब आप बेड टाइम पे जाओ, जब आप इवनिंग में अपने काम से लौट के आओ, या फिर वैसे भी आप शाम के टाइम भी इसको यूज कर सकते हो। इसको अपने फेस पर लगाइए और आप कुछ सेकंड के लिए मसाज कर सकते हो अपने फेस की, ताकि ये बड़े इजिली और बड़े अच्छे से जो आपके फेस पे जो पोल्यूशन है, डस्ट है, उसको अच्छे से वॉश कर सके। और सबसे जरूरी बात, फेस वॉश करने के बाद आपको मॉइस्चराइजर जरूर लगाना है, मॉइस्चराइजर वो जो ऑयली स्किन वालों के लिए बना हो। वैसे हमारे मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि जब मेरी पहले से ही ऑयली स्किन है तो मैं मॉइस्चराइजर क्यों लगाऊं। इसी के बारे में मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बात की थी,
और इस वीडियो के बाद आप वो जरूर से देख लेना, वहां आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए फेस को वॉश करने के बाद आपको मॉइस्चराइजर जरूर लगाना है। अगर आप नहीं लगाओगे तो क्योंकि आपकी ड्राई स्किन हो गई है फेस वॉश को यूज करने के बाद, तो उसके बाद आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा ऑयल आएगा, पहले से भी ज्यादा आपकी ऑयली स्किन हो जाएगी। इससे हमारी स्किन और भी ज्यादा डल लगेगी। और वहीं अगर आप अपने फेस पे मॉइस्चराइजर लगा लेते हो फेस वॉश को यूज करने के बाद, तो आपकी स्किन ग्लोइंग दिखेगी और बिल्कुल क्लीन दिखेगी। हमारे इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर आता है एरोमा मैजिक नीम एंड टी ट्री फेस वॉश। ये फेस वॉश भी 100% पैराबिन फ्री है, अल्कोहल फ्री है, आर्टिफिशियल कलर से फ्री है, फ्रेग्रेंस फ्री है, और इसकी कॉस्ट भी हमें 250 रुपीज के आसपास देखने को मिलती है, जो ठीक है, बजट में हमें देखने को मिलती है। ये फेस वॉश कई सारे इसेंशियल ऑयल से रिच है जो बहुत जरूरी होते हैं हमारी स्किन को हेल्दी रखने के लिए। देखो ओवरऑल एक फेस वॉश का काम क्या होता है, हमारी स्किन को क्लीन करना, हमारी स्किन को वॉश करना, हमारे फेस को वॉश करना। लेकिन अगर उसमें साथ में कुछ ऐसे हमें इंग्रेडिएंट्स देखने को मिले जो हमारी स्किन के लिए अच्छे हों, तो वो फेस वॉश हमारी स्किन के लिए डेफिनेटली अच्छा होता है। ये वाला जो फेस वॉश है इसमें हमें कई सारे इसेंशियल ऑयल देखने को मिलते हैं जो लॉन्ग टर्म में हमारी स्किन के लिए काफी अच्छे हो सकते हैं। ये फेस वॉश भी हमारी स्किन को बड़े अच्छे से क्लीन करता है, ब्लैक हेड से बचाता है, स्कैर्स के जो निशान आ जाते हैं, जो पिंपल्स के निशान बन जाते हैं, उनको बड़े अच्छे से ठीक करता है, एक्नेस को होने से रोकता है और ओवरऑल हमारी स्किन को हेल्दी रखता है। एक फेस वॉश में जो जरूरी हमें चाहिए, जो होना चाहिए, वो सभी हमें इस फेस वॉश में देखने को मिलते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि एक ब्रांड की तरफ से आने वाला फेस वॉश हमें यूज करना है, तो आप इन दोनों में से, मामाअर्थ वाले में से या इसमें से, कोई सा भी चूज कर सकते हो। दोनों मेरी तरफ से आपको अच्छे देखने को मिलते हैं। हमारी इस लिस्ट में थर्ड नंबर पर आता है क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश। मैं श्योर हूं कि ये फेस वॉश आपने कभी ना कभी जरूर देखा होगा, बेशक देखो यूज चाहे ना भी किया हो लेकिन देखा जरूर होगा। ये फेस वॉश भी ऑयल फ्री है, पैराबिन फ्री है, किसी तरह का कोई ऐसा हार्मफुल केमिकल इसमें देखने को नहीं मिलता जो हमारी स्किन के लिए हार्मफुल हो। इसकी कॉस्ट की अगर बात करें तो ये हमें 2-3 साइज में देखने को मिलता है इसके ml के हिसाब से। अगर देखा जाए तो 240 ml का जो इसका पैक है वो हमें 250 रुपीज के आसपास देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत प्राइस में डिफरेंस हो सकता है, वो एक अलग बात है, क्योंकि ये जॉनसन एंड जॉनसन की तरफ से आता है जो कि एक वर्ल्ड वाइड बहुत पॉपुलर और बहुत टॉप नॉच ब्रांड है, तो इस पे हम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। और एक अच्छे ब्रांड की तरफ से आने वाले फेस वॉश का ये फ़ायदा है कि हम अगर उसको लॉन्ग टाइम में भी यूज़ करें तो एक थोड़ा मन में डर नहीं रहता कि ये हमारी स्किन के लिए कहीं हार्मफुल ना हो। ये फेस वॉश हमारी स्किन से एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है, और इसकी अच्छी बात ये है कि फेस को वॉश करने के बाद इससे हमारी स्किन ड्राई भी नहीं होती। देखो ड्राई होने के बाद हमारे फेस पे और भी ज़्यादा ऑयल आता है, ये हमें पता है, लेकिन इसको यूज़ करने के बाद हमारी स्किन उतनी ज़्यादा ड्राई नहीं होती। और दूसरे फेस वॉश की तरह ये भी हमारी स्किन को एक्ने से बचाता है, ब्लैक हेड से बचाता है, ओवरऑल हमारी स्किन को हेल्दी रखता है। तो अगर आप एक ऐसा फेस वॉश यूज़ करना चाहते हो ऑयली स्किन के लिए जो एक बहुत बहुत टॉप नॉच ब्रांड की तरफ से आता है, एक वर्ल्ड वाइड ब्रांड है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। एक अच्छा फेस वॉश ये हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों हमारे लिस्ट में और भी कई सारे फेस वॉश आते हैं, जैसे कि निविया मैन ऑयल कंट्रोल स्पेशली फॉर मैन, बायोटिक बायो ऑयल कंट्रोल फोमिंग फेस वॉश, पिलग्रिम माइल्ड फेस वॉश, ब्यूटी सेलर एवोकाडो एंड टीटी ऑयल फेस वॉश। बजट फेस वॉश की जो हमारी लिस्ट है वो काफ़ी बड़ी हो सकती है, क्योंकि बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जो सस्ते फेस वॉश बनाते हैं। सस्ते से मेरा मतलब लो क्वालिटी से नहीं है, जो कि जो बजट फेस वॉश बनाते हैं जिनके बारे में मैंने आपसे बात की, वो टॉप नॉच ब्रांड्स हैं और एक ऐसे ब्रांड्स हैं जिसपे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, जिनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। अब चलिए बात करते हैं थोड़े महंगे वाले फेस वॉश की, और हमारी इस लिस्ट में 5th नंबर पर आता है प्लम ग्रीन टी फेस वॉश। अगर आपको याद हो तो मैं प्लम के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी काफ़ी बात करता हूँ। देखो ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, लेकिन इनके प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। प्लम की तरफ से आने वाला ये फेस वॉश सबसे पहली बात ऑयल फ्री है, पैराबिन फ्री है, कोई इस तरह का इसमें केमिकल देखने को नहीं मिलता जो हमारी स्किन के लिए हार्मफुल हो। सबसे ज़रूरी बात, स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए बना है। अगर इसकी कॉस्ट की बात करें तो ये हमें 1630 रुपीज़ के आसपास देखने को मिलता है, जो थोड़ा महंगा है। देखो मैंने पहले आपको बताया था कि बजट फेस वॉश से ये थोड़ा महंगा हो सकता है। ये एक बड़ा ही जाना माना और टॉप का ब्रांड है, तो एक ऐसी प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलती कि एक अच्छा ब्रांड है या नहीं, क्योंकि इसमें सेलुलोज है, तो ये हमारे स्किन के पोर्स को बड़ा डीपली क्लीन करता है। देखो हमारे जो पोर्स हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, उनमें डर्ट फिल हो जाती है, डर्ट भर जाती है, तो ये फेस वॉश हमारी स्किन के जो
पोर्स हैं उनको बड़ा अच्छे से क्लीन करता है, क्योंकि इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है जो एक अच्छे एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। तो लॉन्ग टर्म में एक अगर आप इसको लंबे टाइम तक लगाते हो तो ये हमारी स्किन को हेल्दी रखेगा, हमारी स्किन को डैमेज होने से बचाएगा और हमारी स्किन को यंग रखेगा। और जो मुझे इसकी सबसे अच्छी बात लगी वो ये है कि इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है। ये क्या करता है कि जो हमारी स्किन के डेड सेल्स हैं, जो हमारी स्किन पे डेड सेल्स इकट्ठा हो गए हैं उनको एक्सफोलिएट करता है। ध्यान रखो, ये सिर्फ हमारे डेड सेल्स को रिमूव करता है, हमारी स्किन के डेड सेल्स को रिमूव करता है, लेकिन जो हेल्दी सेल्स है, जो हमारी हेल्दी स्किन है उसको नुकसान नहीं पहुंचाता। हम चाहते हैं कि हमारी स्किन क्लीन दिखे, डर्ट फ्री दिखे, बिल्कुल एक अच्छी उस पर स्मूथनेस आए, लेकिन कोई नुकसान भी ना हो, तो ये फेस वॉश उसके लिए स्पेशली बना है। तो अगर आप चाहते हो कि आप एक बड़ा अच्छे वाला जो थोड़ा महंगा हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा फेस वॉश यूज़ करना चाहते हो जो स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए बना हो, उससे किसी तरह का नुकसान न हो, तो ये वाला फेस वॉश आप कंसिडर कर सकते हो। बहुत अच्छे ब्रांड की तरफ से ये हमें देखने को मिलता है। ये सभी फेस वॉश जिनकी अभी हमने बात की आप इन्हें मार्केट से ले सकते हो, ऑलमोस्ट हर जगह आपको ये देखने को मिलेंगे, या फिर आप इनको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। इन सभी के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उन्हें जाके चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, अगर मेरी वीडियो को आप यहाँ तक देख रहे हो तो आइए बात करते हैं इस वीडियो की समरी की और मेरे ओपिनियन की, यानी कि इन फेस वॉश में से आपके लिए कौन से वाला ठीक रहेगा। देखो दोस्तों, अगर आप एक अच्छे वाला बजट फेस वॉश यूज करना चाहते हो तो आप मामाअर्थ की तरफ से आने वाला या फिर क्लीन एंड क्लियर जो फेस वॉश है इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हो। ये बहुत अच्छे ब्रांड की तरफ से हमें देखने को मिलते हैं और लॉन्ग टर्म में इनके कोई भी साइड इफेक्ट हमारी स्किन पे नहीं होते। देखो 100% तो कुछ नहीं होता, लेकिन ये नोट किया गया है कि इनकी तरफ से कोई भी साइड इफेक्ट हमारी स्किन पे नहीं होते। और सबसे जरूरी बात, ये स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए बने हैं। और अगर बजट की आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक महंगा फेस वॉश भी यूज कर सकते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पलम ग्रीन टी फेस वॉश यूज करें। इसके हमें बहुत सारे फायदे देखने को मिलते हैं और क्योंकि एक टॉप नॉच ब्रांड की तरफ से आता है तो इस पर ट्रस्ट भी हम बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। ये स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए बना है और लॉन्ग टर्म में हमारी स्किन के लिए काफ़ी हेल्दी हो सकता है। इन सभी फेस वॉश के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उन्हें जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आप अपनी मार्केट से इसे लेना चाहो तो वहाँ से भी आपको बड़ा इजीली मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जाना कि हमारी ऑयली स्किन के लिए कौन से फेस वॉश अच्छे हो सकते हैं जो अच्छे ब्रांड की तरफ से हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ हमने कुछ बजट वाले और कुछ महंगे फेस वॉश की बात की। अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। इससे होगा यह कि जब भी मैं अपनी नई वीडियो पब्लिश करूँगा तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए इसी तरह से अच्छी वीडियो लाता रहूंगा। आप मुझे सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, मेरे वहाँ काफ़ी कम फॉलोवर्स हैं, उन्हें भी बढ़ा दीजिए। तो चलिए फिर दोस्तों, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में इसी तरह कुछ अच्छे नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।